ओबीडी टैकोमीटर्स हैं, ठीक है। ये आप अपनी कार को स्पोर्ट लुक अंदर से देने के लिए, और मतलब जो इनका यूज है वो तो आप कर ही सकते हो, और लुक्स भी अच्छे हो जाते हैं इससे अंदर के। और जो आजकल नई बेस मॉडल कार्स आ रही है उनके अंदर आरपीएम मीटर नहीं होता। सही बात है। तो इसको लगा के भी आप अपना काम चला सकते हो और एक अच्छी लुक भी दे सकते हो अंदर से कार। तो गाइस मैं ये बता दूं कि भाई ये जो स्टॉक है उनसे 1000 एंड मतलब उससे भी ज्यादा टाइम बेटर है ना, क्योंकि पूरी डिजिटल डिस्प्ले रहती है इनमें। इसके अंदर कोई वायर कटर नहीं होता है, प्लग एंड प्ले होते हैं ओबीडी से कनेक्ट होके। सो गाइस यहां पे अपने पास 3 मीटर हैं, तो भैया मेरे को ये बताओ कि प्राइसिंग क्या कुछ पड़ती है और इनमें डिफरेंट क्या क्या मिलता है हमको। जैसे कि आप देख सकते हो तीनों अलग अलग ब्रांड के हैं और अलग अलग सबकी खासियत है, ठीक है। जैसे ये वाला है मैजिशियन ओबीडी है, ये सबसे ज्यादा फेमस टैकोमीटर है, ठीक है। ये बहुत चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये लूफी का है एक्स रेवोल्यूशन, ठीक है, आरपीएम मीटर। और ये वाला है जीपीएस ओबीडी, ठीक है। इसको कहते हैं जीपीएस। तो बेसिकली इसमें जीपीएस में मिलेगा। हाँ जी। और इसकी डिस्प्ले सबसे बड़ी है, इसकी सबसे बड़ी है। और इसके अंदर कई और भी कूल फीचर्स है, जैसे इसके अंदर कई चीजों के लेवल्स भी पता चलते हैं। अब डाटा पोर्ट भी है। हाँ जी। और बाकी तो इन दोनों के वर्क सेम ही है, बस लुक्स अलग है। और इसके अंदर अपने मैजिशियन से ज्यादा थोड़े फीचर्स इसमें थोड़े ज्यादा, मतलब बाकी। हाँ मैं फीचर्स बताऊंगा तो समझ भी नहीं आएंगे। ये बेहतर तब होगा जब हम लाइव दिखाएंगे, कार के अंदर लाइव लगा के सबको फीचर्स बताएंगे, दिखाएंगे, वो सबसे बेटर रहेगा। सो गाइस ये स्टार्ट हो जाता है इसमें, मतलब कितने से स्टार्ट है ये वाला? ये वाला मैजिशियन 835 आपको पड़ता है 8000 रुपीस का, ठीक है। ये लूफी का रेवोल्यूशन एक्स आपको पड़ता है 10000 रुपीस का, ठीक है। और जीपीएस ओबीडी आपको पड़ता है 12000 रुपीस, ठीक है। तो इनकी कोई गारंटी वारंटी होती है? इनकी वैसे वारंटी कुछ आती नहीं है, बट टचवुड बहुत सारे बेचे हैं आज तक, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो गाइस भैया से आप मंगा सकते हो, भैया नंबर बता दो और अपना इंस्टाग्राम बता दो किसी को मंगवाना हो तो। इंस्टाग्राम हैंडल नेम है डीजेस ऑटोमोटिव एंड हमारा नंबर है 9868980066। तो गाइस मैं लास्ट में ज्यादा को वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, बस ये बता दो कि इसमें कुछ भी तार की वायर कट नहीं होती है, सिंपल आपका जो ओबीडी स्कैनर है उसके अंदर ओबीडी दिखा भी देता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। ये इसकी ओबीडी वायर है, ये देख सकते हो, ये ओबीडी जो है ये वायर है, बेसिकली ओबीडी पोर्ट में लग जाती है आपके, एंड फिर यूं है कि तार वार नहीं, तो बेसिकली प्लग एंड प्ले है ना। हाँ जी। तो ये सारा प्लग एंड प्ले है और ये आपको डबल टेप मिल जाती है स्टिक करने के लिए, और ये इसका कुछ भी खोलना है आपको तो आप इस एलन के से खोल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आप में जो है अपनी गाड़ी में दिखाऊंगा और रात को दिखाऊंगा, बिकॉज रात के लोग ज्यादा अच्छे आते हैं इंस्टॉल करके। पीपल कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। एनीवेज गाइस अपने पास 3 मीटर है, आपने पहले तो देख ही लिया होगा। ये वाला जो मीटर है पर्सनली मैं अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाला हूँ, राही भाई ने लगाया था, उनकी वीडियो में आपने देखा होगा, तो उन्हीं के पास जो है भाई मेरा मन कर रहा था बहुत ज्यादा इंस्टॉल करने का। यार राही भाई की गाड़ी में थोड़ा छोटा है, मेरे में थोड़ा बड़ा है। एनीवेज आप लगाते हैं इसको एक बार और राही भाई साथ में रहेंगे तो मेरी हेल्प करेंगे लगाने में इसको, एंड वी विल सी कैसा कुछ जो इसका रिस्पॉन्स आता है, आउटपुट आता है। अभी तो इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, सो दैट दिन में आपको पता चल जाएगी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, शाम को जो है आपको पूरी लिख देंगे। इंस्टॉलेशन पार्ट मैं नहीं दिखा रहा, वो देखना आप राही भाई की वीडियो में देख लीजिए, बस ओबीडी स्कैनर पर कनेक्ट करना और कुछ नहीं करना। तो भाई देखो मैं फटाफट बता देता हूँ, ये है अपना मीटर, आपने पहले ही देख लिया होगा, और इसको हम लोग थोड़ी इज्जत से खोलेंगे यहाँ पे। ये हमने खोल दिया इज्जत से, और राही भाई यहाँ लगा दूँ ना भैया। आज भाई इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, प्लग कर रहे हैं बेसिकली। एक्साइटमेंट में आके इन्होंने पहले लगा दिया, अब जो है प्लग इन पीछे की तरफ है। सो गाइस यहाँ पे बात करूँ मैं अपना जो ओबीडी मीटर है उसकी, तो लुक्स जो है आपको ऐसे कुछ दिख रहे होंगे। एक बार जो मैं पार्किंग लाइट्स बंद कर देता हूँ सो दैट एम्बिएंट लाइट भी बंद हो जाएगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कुछ जो है लुक्स अपने इस ओबीडी मीटर के दिखते हैं। और जितनी रेस पे आपकी गाड़ी रहती है उतनी रेस से आपको बताता रहता है। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है अभी हाल फिलहाल 20 के आसपास चल रही है, तो वहाँ पे भी जो है आपको स्पीड 20 ही दिखाएगा, एंड जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो जो टर्बो वाला सेक्शन है वो भी बढ़ेगा, एंड उसके साथ साथ जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। और इसके अलावा कई सारे फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार गाड़ी पार्क करूँगा साइड में उसके बाद दिखाऊंगा तो दैट मैं अच्छे से समझा पाऊँ। खैर मेरे को एक आपको रफ लुक दिखाना था कि कैसी जो है रनिंग वाले शॉट्स अपने इसके दिखते हैं, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। सो गाइस अपना जो ओबीडी मीटर है कई सारे फीचर्स के साथ आता है, मैं एकदम आपको क्विक उसमें बता दूं, तो यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। बेसिकली ये जीपीएस का ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ से आपको 0 to 100 का एक्सेलेरेशन टेस्ट मिलता है, खैर वो नहीं कर रहे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेक टेस्ट भी मिल जाता है, एंड हाँ इससे ज्यादा है कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा मेन चीज मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो है आपको आरपीएम बता रहा है लाइव, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी में आरपीएम वाला मीटर इंस्टॉल नहीं है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ड्राइविंग डिस्टेंस से लेकर सब कुछ जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक्सेलेरेट करके दिखाता हूँ आपको,
तो आप देख सकते हैं कि ये साथ के साथ जो है इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, डिजाइन की बात करूँ तो यहाँ से आप डिजाइन जो है चेंज कर सकते हो। इधर से मैं एक बार दिखा दूँ, तो ये कुछ डिजाइन हैं जो आपको मिलते हैं। गाइस, ये था अपना सिंपल वाला मीटर। अब मैं आपको दो जो अपने दूसरे मीटर्स हैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार कि उनके जो लुक्स हैं वो कैसे कुछ हैं। सो गाइस, जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो ये आपको टोटल दिखाते हैं कि आपने कितना ट्रैवल करा है एंड क्या कुछ जो है डिस्टेंस आपने कवर करा है, तो भी दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना जो है ड्राइव डिस्टेंस था और ये कुछ था। एंड इसको जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद इसका जो एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा कूल है यहाँ पे। एंड ये वाला जो मीटर है पर्सनली मैंने अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। दो जो अलग है उनका मैं आपको एक बार क्विक लुक दिखा दूंगा कि वो कैसे कुछ जो है लगते हैं। तो देख सकते हो पूरा एक बार ऊपर तक जाता है, फिर ये टर्बो भी होता है। खैर, अब चलते हैं दूसरे मीटर्स की तरफ। अपना जो दूसरा है XF Revolution का, वो कुछ ऐसा है, उसकी स्क्रीन ऐसी है। एज ऑफ नाउ जो है ये सिस्टम अपडेट मांग रहा है, तो मैं एक बार सिस्टम अपडेट करके आपको दिखा दूंगा। खैर, जब हम चाबी को बंद करेंगे तो उसके बाद की एनिमेशन जो है काफी ज्यादा मस्त है। तो मैं एक बार चाबी को बंद करके आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, कैसी कुछ एनिमेशन आती है। सो गाइस, यहाँ से जो है मैंने इसका भाई अपना अपडेट कर लिया है और उसके बाद इसके लुक्स जो है ऐसे कुछ मिलते हैं। सेम गोज, जैसे कि आप जो है डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको जो दो तीन डिज़ाइन है ये मिल जाते हैं अपना जो XF Revolution है इस वाले OBD मीटर में। एंड ये कुछ डिज़ाइन हैं जो आपको मिलते हैं और ये दिखा दूँ मैं आपको, तो इनमें जो है आप स्विच कर सकते हैं, सारे जो हैं इसमें फीचर्स आपको मिलते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले की तरफ अपना, कि नेक्स्ट वाला एक्चुअल में कैसा है। तो गाइज, ये है अपना जो मैजिशियन का मीटर मिलता है यहाँ पे, तो इसमें बोल रहा है फर्स्ट रन जा इंधन देन इंस्टॉल। तो एक बार जो है मैं ऑन कर लेता हूँ इग्निशन, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ जो है वर्क करता है ये। तो यहाँ पे जो है मैंने इंजन को ऑन कर लिया है एंड इसकी जो एनिमेशन है मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है यार। और इसमें जो है आप चेंज कर सकते हैं, पर्सनली दिखाऊं तो मेरे को जो ब्लू वाला है वो ज़्यादा फेवरेट लगता है। तो इधर से हम लोग करेंगे तो ये डिज़ाइन चेंज हो सकते हैं, देख सकते हो ब्लू वाला कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड थोड़ी बहुत रेस दूंगा, देख सकते हो ऐसा कुछ है। एंड इसमें कई सारे फीचर्स जो हैं आपको मिलते हैं, आप चेंज कर सकते हो। ये भी एक स्पीड का है, देन अगेन अपना ये एक स्पीड का है, देन ये भी स्पीड का है। तो इतने कुछ फीचर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं मैजिशियन वाले मीटर में। खैर, मैंने जो इंस्टॉल करा है अपना सबसे बड़ा वाला करा है, और आपकी मर्जी है कि आपका बजट कितना कुछ जो है अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप मंगवा सकते हैं। फीचर्स सब में अलग अलग हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो आपके ऊपर है कि आप कितना रुपया खर्च कर रहे हो। मंगाया कहाँ से, मैंने DJ's Automotive से मंगाया, तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है, बाकी जो नंबर है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, तो आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ से मंगवाना है, कैसे मंगवाना है।